फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं उमर अंजुम के बारे में। तो उमर अंजुम का उमर के साथ कोलैब आने वाला है। तो उमर अंजुम ने उमर के साथ स्टूडियो में कुछ ऐसी पिक्चर शेयर की है एंड उमर अंजुम ने काफी टाइम पहले रिवील किया था कि वो म्यूजिक वीडियोस ड्रॉप करेंगे आफ्टर रमादान। तो अभी उमर अंजुम का एक पोस्ट करते हुए कहना है कच इन द एक्ट। तो इस पोस्ट को शेयर करते हुए उमर अंजुम का अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कहना है स्क्रीन ग्रैब फ्रॉम एन अपकमिंग प्रोजेक्ट लेट्स टॉक इन कॉमेंट्स। तो उमर अंजुम ने इस पोस्ट के कुछ कॉमेंट्स का रिप्लाई दिया है। तो इस पोस्ट पर कॉमेंट करते हुए ने उमर अंजुम से बोला स्टार हैं आप लील कृष्णा। तो इसका रिप्लाई करते हुए उमर अंजुम का कहना है जियान हैं आप। और फिर किसी ने बोला ब्रो नथिंग जस्ट दैट आई लिसन टू यू डेली एंड डैम व्हाट यू मेक इज एन पीस ऑफ आर्ट लव फ्रॉम इंडिया ब्रो। तो इसका रिप्लाई करते हुए उमर अंजुम का कहना है रिस्पेक्ट ब्रो। एंड उमर अंजुम से किसी ने बोला एग्जाम के लिए पढ़ लूंगा अगर उमर सर ने रिप्लाई दिया। तो रिप्लाई करते हुए उमर अंजुम का कहना है पढ़ ले भाई। और फिर किसी ने उमर अंजुम के नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बोला ड्रिल ला रहे हो ना फिर। तो उमर अंजुम ने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया तो नेक्स्ट अपडेट तला अंजुम के बारे में है। तो एक इंडियन आर्टिस्ट दिव्याम सोडी ने कुछ ऐसी रील पोस्ट की है जिस पर कमेंट करते हुए तला अंजुम का कहना है खूबसूरत एंड मुरु का कहना है वाह। कर रहा था गमे जहां का हिसाब आज तुम याद बेहिसाब। एंड तला अंजुम का एक पोस्ट करते हुए कहना सब कुछ एक नंबर। तो नेक्स्ट अपडेट तला यूनुस के बारे में है। तो तला अंजुम का रिसेंटली मुरु के साथ जो ट्रैक ड्रॉप हुआ है शोर, तो इस ट्रैक पर वाइब करते हुए तला यूनुस ने कुछ ऐसी स्टोरी लगाई है। शहर है सोया शोर थी गया। एंड तला यूनुस ने स्टूडियो में ट्रैक रिकॉर्ड करते हुए कुछ ऐसी वीडियो शेयर की है। तो नेक्स्ट अपडेट शारे अख्तर के बारे में है। तो शारे ने रिसेंटली अपनी नेक्स्ट एल्बम अनाउंस कर दी है। तो एल्बम के बारे में शारे ने Q&A में बात की है। तो बेसिकली शारे से किसी ने Q&A में पूछा है आई कांट गेट ओवर टू द अटैचमेंट्स एल्बम प्लीज वन मोर एल्बम लाइक दिस। तो इसका रिप्लाई करते हुए शारे अख्तर का अपनी नेक्स्ट एल्बम के बारे में कहना आई एब्सोल्युटली लव हाउ एवरीवन टॉक्स अबाउट अटैचमेंट्स बट लेट मी क्लियर दिस थिंग दैट द नेक्स्ट वन इज नॉट गोना बी द सेम इट कैन नेवर be I have grown as an artist a lot since the album so everything on my album will be new and better inshallah baki release date pooch ke sharminda na kare। aur phir kisne pucha plans after Eid to shari ka kehna sirf music। aur phir kisne shari se bola any quote for me demotivate ho to shari ka kehna demotivate mat ho। to ab baat kar lete hain honey singh ke bare mein। to honey singh ka pakistani actress mavish hayat ke sath collab aane wala। to mavish hayat ka honey singh ke sath kuch aisi picture share karte hue kehna collaborated with my फेवरेट देसी कलाकार हनी सिंह ऑन अ किलर न्यू ट्रैक स्टे ट्यून फॉर द रिलीज। एंड मैविश हयात का हनी सिंह के बारे में कहना दिस मैन इज अ ट्रू आर्टिस्ट इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड वर्किंग विद हिम हैज शोन मी जस्ट हाउ अबंडेंटली ब्लेस्ड ही इज विद प्योर टैलेंट एंड विजन हिज पैशन इज ट्रूली अनमैच्ड मेकिंग हिम द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द क्राफ्ट हनी सिंह। तो अब बात कर लेते हैं सनी खान दुरानी के बारे में। तो सनी खान दुरानी का अपनी सिया एल्बम के बारे में कहना थैंक यू टू ऑल द पीपल हु केप्ट सपोर्टिंग मी इवन व्हेन आई वाजंट एक्टिव हियर एंड वाज प्योरली फोकसिंग ऑन माय क्राफ्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड सिया इज नॉट वेयर दिस स्टोरी एंड्स सी यू ऑल सोन विद न्यू म्यूजिक ऑलवेज रिमेंबर दिस डोंट ट्रस्ट अ परफेक्ट पर्सन एंड डोंट ट्रस्ट अ सॉन्ग दैट फ्लॉलेस टॉप दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।